सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा दिया था। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसके बाद से फिल्म ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए, यहां तक कि गदर 2 ने एसएस राजमौली की फिल्म बाहुबली 2 को भी मात दे दी थी और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। हालांकि अब ये खिताब जवान ने अपने नाम कर लिया है। गदर 2 ने अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन करना शुरू कर दिया था। पहले दिन फिल्म ने 40.10 करोड़ कमा डाले थे और एक ही हफ्ते में फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी। फिल्म 8 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली और इसी के साथ गदर 2 भारत में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। वर्ल्ड वाइड भी 691.08 का बिजनेस करने में कामयाब रही। गदर 2 ने पहले हफ्ते 284.63 करोड़, दूसरे हफ्ते 134.47 करोड़, तीसरे हफ्ते 63.35 करोड़ और चौथे हफ्ते 27.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं पांचवें हफ्ते फिल्म ने 7.28 करोड़ कमाए और छठे हफ्ते भी 4.72 करोड़ का कलेक्शन किया। सातवें हफ्ते गदर 2 ने 3.00 करोड़ की कमाई की और आखिरी हफ्ते में 0.45 करोड़ का कारोबार किया। इसी के साथ गदर 2 का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन 525.45 करोड़ रुपए हो गया है। गदर 2 अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सनी देओल की फिल्म देशभर में 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया। 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म गदर 2 ने लागत से कई गुना ज्यादा कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई।